हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप सबका वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन विद संदीप त्रिपाठी में। हम इस चैनल पे हमेशा ही कुछ यूनिक वीडियोस लेके आते हैं जो हमारे फ्रेशर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी उनको हेल्पफुल रहे। बाकी जो हमारे एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि हमेशा कुछ नया लेके आए। तो उसी सीरीज में आज हम टॉपिक आपके लिए कवर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो कैप सर्वर ओपीसी को हम साइटिक स्काडा के साथ कम्युनिकेट कराने वाले हैं। मेरे पास एक सब्सक्राइबर हैं दुबई से, उन्होंने इस चीज़ के लिए मेरे को बोला भी था कि उनको कहीं ट्रायल भी करना था। तो कल मेरी उनसे डिस्कशन हुई और आज हम उस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा जो रहती है वह है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मेरे को और आइडिया मिलते हैं कि मैं कैसे वीडियोस बनाऊँ, आपकी क्या प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, वो भी मैं उसको एड्रेस कर पाऊँ। और मेरे को अगर वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और मेरे को अपडेट करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना कोई चार्जेबल तो होता नहीं है यूट्यूब पे, तो अगर आप किसी का भी वीडियो देखें, केवल मेरा ही नहीं, जिसका भी आप देखें, अगर आप करते हैं तो उनके लिए एक जस्ट बूस्टर डोज टाइप का हो जाता है, जिससे वो अपने वीडियोस को और अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो किसी का भी आप करिए तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, स्पेशली मेरे चैनल को तो ज़रूर करिए। तो आज का वीडियो हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया, कैप सर्वर को हम ओपीसी पे कैसे अपने साइटिक स्काडा के साथ काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक कैप सर्वर मैंने अपना इंस्टॉल किया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कैप सर्वर का मैं वर्जन अभी यूज़ करने वाला हूँ वो 6.6 है। अब हम इसको कैसे करके आज यूज़ करने वाले हैं, ये आप इस पे जब भी कैप सर्वर पे काम करेंगे सबसे पहले आपके पास ऐसे तरीके की विंडो आएगी। यहाँ पे आके आपको प्रॉपर्टीज़ पे चेक करना होता है। प्रॉपर्टीज़ पे आप देखते हैं आपको यहाँ पे ओपीसी यूए, ओपीसी डीए, डीडी, इस तरीके के कई सारे टॉपिक्स मिलते हैं जनरल। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओपीसी यूए रहने वाला है, तो हम यू ओपीसी यूए को कनेक्ट करते हैं। ओपीसी यूए पे आप क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक इंटरफेस, एक इस तरीके की विंडो मिलती है जहाँ पे आपको एक सर्वर इंटरफेस है वो आपका इनेबल रहता है, वो आपको इनेबल करना होता है, और क्लाइंट सेशन बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है तो इसको भी आपको यस करना पड़ता है। अगर आपका ये नो रहता है तो उससे क्या एरर आने वाला है वो मैं आपको जब अभी वीडियो में हम आगे चलेंगे तो आपको बताऊंगा। हम इसको अभी के लिए फ़िलहाल नो ही करते हैं ताकि जो एरर आएगी मैं वो एरर दिखा के आपको आगे बताऊँ इसमें क्या है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम रखने वाले हैं, इसको ओके कर लेते हैं। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है ओपीसी यूए। ओपीसी यूए कॉन्फ़िगरेशन, जब भी आप कैप सर्वर ओपीसी को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है, ये वाला फोल्डर आपको यहाँ पे मिल भी जाने वाला है। मैं इसे कैप वेयर को सीधा अगर देखता हूँ तो इसके अंदर आपको ये ओपीसी यूए कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। इसको हम राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करा लेंगे
इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमें इस तरीके की एक वीडियो, एक इस तरीके की विंडो मिलती है, जहाँ पे हमें ये दो सर्वर दिखाई देते हैं। अगर मैं सेम पीसी में ही स्काडा और ओपीसी रन करा रहा हूँ तो मैं इस वाले को कंसीडर करता हूँ, और अगर मेरा पीसी और ओपीसी डिफरेंट उसमें है, स्काडा कहीं चल रहा है, ओपीसी में कहीं चला रहा हूँ, तो मैं इस सर्वर को यूज़ करता हूँ। तो आज अभी मैं लोकल करूँगा, तो मैं लोकल पे कैसे करना है वो आपको बता दूंगा। दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हम इस पर चेक करते हैं, इन दोनों सर्वर पे जब भी आप काम करें, एक इस पे आप यहाँ पे देखेंगे कि इनेबल का चेक बटन लगा हुआ है, इसे आपको चेक कर देना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता ही है। और जब आप ये करेंगे ये नीचे वाले सर्वर पे, तो यहाँ पे चेक इनेबल नहीं है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। प्लस अब जब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक की का साइन दिख रहा है, की का साइन है क्योंकि सिक्योरिटी बेस्ड काम कर रहा है। लेकिन आज का हम जो सिस्टम कम्युनिकेशन चेक करने वाले हैं वो विदाउट सिक्योरिटी करने वाले हैं, तो हम इस पे जाते हैं। यहाँ पे एक रन का ऑप्शन है, इसे मैं चेक कर देता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे वो की का साइन हट गया, और इसी तरीके से मैं इसे क्लिक करके यहाँ पे भी एक रन का ऑप्शन कर दूंगा, तो ये अब मेरा सिक्योरिटी बेस पे काम करेगा। ये बेसिक सेटिंग है, ओपीसी यूए कॉन्फ़िगरेशन पे आके आप इसे कर लेते हैं सर्वर एंड पॉइंट्स। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे जो ये पाथ है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लोकल सर्वर पे अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे ये लिंक मिलने वाला है, और अगर आप किसी और पीसी पे करते हैं, दोनों डिफरेंट पीसी पे हैं, तो आपको इस तरीके का एक ही पाथ मिलेगा। तो दोनों में केवल यही डिफरेंस है, चाहे आप लोकल पीसी पे और अदर पीसी पे करते हैं। तो अभी हम फिलहाल इसको चेक करके इसको ओके कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अब ये हमारे काम आने वाला है, इसको हम ओके कर लेते हैं और इसे यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। एक बार हम फिर चेक कर लेते हैं, हमारी सेटिंग जो हमने करी वो ओके हो गई है। यहाँ पे देखिए दोनों इनेबल हो चुका है और दोनों में डन भी आ चुका है। अब हम अपने साइटेक स्काडा का कॉन्फ़िगरेटर खोल लेते हैं। कॉन्फ़िगरेटर को भी आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर खोलें, और ओपीसी यूए को भी आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर खोलें, क्योंकि कई बार सेटिंग्स नहीं ले पाता है इसलिए। बाकी अब जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेटर खोलेंगे तो यहाँ पे आपको एक ओपीसी यूए क्लाइंट ड्राइवर मिलेगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे प्लांट स्काडा में कैसे करना चाहिए या दूसरे में कैसे करना चाहिए, तो आज मैं 2018 R2 में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास विंडोज 10 है, और जो हमारा प्लांट स्काडा 2023 है वो हमारे विंडोज 11 में मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने वाला विंडो अभी मेरे सिस्टम में नहीं जा सकता, इस वजह से मैं सॉफ्टवेयर पर काम नहीं कर रहा हूँ। इन फ्यूचर मैं डेफिनेटली आपको उसमें वो करके दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ओपीसी यूए क्लाइंट ड्राइवर 2018 वर्जन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सेटिंग, एक आता है क्रिएट न्यू सेटिंग। तो अभी मैंने एक सेटिंग अपना करके ट्रायल किया था, तो वहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है, तो अभी आप लोगों के लिए मैं एक नया सेटिंग बना रहा हूँ। तो मैं इसे कैप वेयर टू एक न्यू नेम दे दे रहा हूँ, इसे मैं एक नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट के बाद अगर मैं क्रेडेंशियल पे या यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे काम करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे इसे इनेबल करके इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड वगैरह मैच कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम इनक्रिप्टेड वे में नहीं कर रहे हैं, हम विदाउट सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसे स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमने जैसे पहले ही बताया कि हमारा नन है, तो हम यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी नन ले लेते हैं। उसके बाद हम इसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। जैसे आप कॉन्फ़िगर करते हैं, ओपीसी यूए क्लाइंट ड्राइवर कॉन्फ़िगर इज कंप्लीट। उसके बाद हमने जो यहाँ पे कॉपी किया था सर्वर का, उसे हम यहाँ पे चेक कर ले, इसे सर्वर यूआरएल में डाल के टेस्ट कनेक्शन करते हैं। जैसे ही टेस्ट कनेक्शन करेंगे, अब आपको ये एरर बोल रहा है कुड नॉट कनेक्ट टू द ओपीसी यूए सर्वर, ओपीसी यूए स्टेटस कोड। ये क्यों?
ये जैसे कि मैंने बताया था, जब हम इसकी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं, हमने यहाँ पे इसको एनोमिनस लॉगिन नो किया हुआ था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हम इसे यस कर देते हैं, यस करने के बाद अप्लाई करके इसे ओके कर देंगे और फिर रन टाइम को री इनिशलाइज कर देते हैं। री इनिशलाइज करने से क्या है कि जो भी अभी हमने सेटिंग चेंज करी थी, जो इनेबल किया था, सारी चीज़ें करी थी वो अब, और यहाँ पे भी अभी मैंने जो सेटिंग चेंज करी है यस करने की, तो वो अब स्टार्टिंग से उसे ले लेता है। और अगर अब आप इसे टेस्ट कनेक्शन करते हैं तो ये देखिए सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द ओपीसी यूए सर्वर, केवल एनोमिनस लॉग ऑन को यस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमेशा जब भी आप कॉन्फिगर करें, ये एक प्रॉब्लम होती है कि आप वहाँ पे जाके नो पे ही आप ट्राई कर रहे हो, आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो ये एक मेन इशू होता है जो आपको वहाँ पे जाके करना पड़ता है। उसे करने के बाद आप यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन हो गया, आप इसे क्लोज कर सकते हैं एग्जिट। यहाँ पे आपका ओपीसी का सारा काम खत्म हो जाता है। फिर यहाँ चैनल पे आके आप अपना कोई न्यू टैग बनाना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे टेस्ट वन नाम से मैं एक बना देता हूँ। इसे मैं बूलियन एड्रेस ले लेता हूँ, या रैम्प में भी हम ले सकते हैं, रैंडम कोई वैल्यू डालनी है, कोई साइन फॉर्म में लेना है मैं साइन में ले लेता हूँ, साइन वेव के फॉर्म में अपना हाई और लो लिमिट करके आ जाएगा। इसे ओके कर दे। यहाँ पे इसका रजिस्टर एड्रेस इस तरीके से डालना है, इसको रेंज हम वाला कंसीडर कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। मैंने अभी दूसरा टैग ले लेता हूँ मैं, टेस्ट बना देता हूँ। एड्रेस प्रॉपर्टीज में करा, साइन में डालना था। इसको मैंने भी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया हुआ है तो मेरे भी चांसेस हैं। इसको एक बार मैं देखता हूँ कि मेरे को ये वाले पे काम नहीं करना था, बट विल ट्राई। साइन फंक्शन के लिए हम इस तरीके से इसका एड्रेस लिख सकते हैं, तो ले लिए। ये थोड़ा सा चीजें देखनी पड़ती हैं, हो जाती है। तो टेस्ट टू नाम से मैं एक दूसरा एक टैग बना लेता हूँ, इसको आप बुलियन भी डाल सकते हैं या दूसरा कुछ डाल सकते हैं, अभी बुलियन ही रख लेते हैं, बुलियन B0 रख लेता हूँ मैं। ये चीजें मैंने इसके टैग जो यहाँ पे मुझे बनाने थे मैंने टैग अपने बना लिए। अब इसको मैं सारी चीजें आ गई, अब मैं अपना साइटेक स्काडा खोल लेता हूँ। यहाँ पे हम एक नया टैग बना, एक नया बैकअप बना लेते हैं, कैप
नाम से मैं बना लेता हूँ इसको, मैं टैब स्टाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे आ गया। सबसे पहले मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी जब मैंने साइटिक्स काडा की स्टार्टिंग की ट्रेनिंग दी थी तो उसमें भी मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें कभी भी स्काडा पे हम काम करेंगे हमें आईओ डिवाइस बनाने ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, तो हम न्यू आईओ डिवाइस पे जाएंगे, सबसे पहले एक कैवियर करेंगे और यहाँ पे एक आईओ सर्वर हमारा है वो हम डाल देंगे। आईओ डिवाइस आप ये भी रख सकते हैं, कुछ और चेंज करना है एक्सटर्नल आईओ डिवाइस है हम वो करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे ओपीसी फाउंडेशन पे, यहाँ पे ओपीसी यूए क्लाइंट पे, क्योंकि हम ओपीसी यूए पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ओपीसी टीसीपी पे जाएंगे, इसे नेक्स्ट करेंगे और जो एड्रेस हमने यहाँ पे यूए कॉन्फ़िगरेशन से लिया था ये वाला, जिसके बेस पे हमने अभी हमारा कॉन्फ़िगरेटर भी किया था, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये वाला आप कॉपी करके रख लेंगे। वही एड्रेस हम यहाँ पे डालने वाले हैं। टैग हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया और ओके। इसे नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आके आप लिंक आईओ डिवाइस पे आएंगे, यहाँ क्लिक करके ओपीसी यू एक ऑप्शन दिखेगा उसे सिलेक्ट करके आप ब्राउज का ऑप्शन करेंगे। ब्राउज के बाद आपको ओपीसी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप करेंगे इसे एक्सपेंड करते चले जाएंगे, डाटा लोकल आएगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरा जो भी बैकअप जो भी आईओ सर्वर मैंने बनाया चैनल वन के अंडर में बनाया, तो मैं यहाँ चैनल वन में आ जाऊँगा। चैनल वन में मैंने डिवाइस में बनाया, डिवाइस में मेरे सारे टैग्स हैं तो मैं इसे सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा और यहाँ ऑटोमेटिक रिफ्रेश ऑफ टैग से हटा दूंगा। ये इसलिए हटाया जाता है कि अदरवाइज कल को आप इसमें कोई भी टैग हो कुछ भी एड ऑन डिलीट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसमें एड ऑन भी हो जाता है हार्ड भी जाता है। तो जब भी आप कई बार कंपाइल वम्पाइल करते हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए इसे हम अनचेक कर देते हैं। अदरवाइज ये आपका रहता है तो जब भी आप इसमें कोई टैग ऐड करेंगे डिलीट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें अपने आप ऐड और डिलीट होता रहता है। तो यहाँ पे आने के बाद हम इसे नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। अब आप ये देखेंगे टैग इम्पोर्ट स्टैटिक्स 106 टैग मेरे इम्पोर्ट हो गए हैं। तो इसका व्यू लॉग देखना है तो मुझे नहीं देखना है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे आऊँगा, देखिए इसका आईओ डिवाइस सब पूरा प्रॉपर बन गया है। अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ ये देखें मैंने जो भी टैग बनाए हैं वो इसमें सब बन गए हैं। इसमें एक जब आप अभी देख रहे हैं ये सारे टैग मेरे आ रहे हैं, ये चार टैग मैंने बनाए हैं, बाकी जितने भी हैं ये इसके इनबिल्ट टैग थे, इसमें ये सिस्टम के टैग हैं जो हमें नहीं चाहिए तो हम उसको छोड़ देते हैं। और अब यहाँ पे आने के बाद हम एक पेज अपना बना लेते हैं, न्यू पेज। यहाँ पे मैं नॉर्मल पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले कोई वैल्यू बना देता हूँ और कौन ये टैग वन को कॉपी कर लेता हूँ, टैग वन मैं शो करा देता हूँ यहाँ पे। फिर मैं टैग टू भी करा देता हूँ, टैग टू। और फिर मैं ये मेरा साइनोसाइडल था टेस्ट वन, तो इस साइनोसाइडल को मैं ट्रेंड में दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा क्या करूंगा वो तो आपको बताता हूँ मैं। मैं अभी सारी वैल्यूज फिलहाल यहाँ पे अभी डिस्प्ले करवा रहा हूँ ताकि एटलीस्ट हमारे जो भी
क्लियरिटी आ जाए। मैं इसे सेव करा देता हूँ, सेव P1 नाम से सेव करा देता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। और इसके बाद मैं इसे कंपाइल करूँगा तो मुझे ये एक एरर मिलने वाली है। ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ होती ही है। अभी आप देखेंगे एक एरर बताएगा कि दो रिकॉर्ड मेरे सेम आ रहे हैं, वो सेम टैग आते हैं, वो सिस्टम बिट्स की वजह से आते हैं। तो आपको उतना कुछ सोचना नहीं है, जब भी आप कैप सर्वर के साथ काम कर रहे हैं तो इस तरीके का एक एरर आपको एक बार में मिलता ही मिलता है। इनबिल्ट वाले मैंने इसी को चेक कर रहा था, ये आ गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे तो वैसे भी ये सारे चाहिए ही नहीं, मैं चाहूँ तो ये पूरा ही डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसे कंपाइल कर देता हूँ यहाँ से, अब सारे एरर मेरे गायब हो गए। इसको करने के बाद मैं इसे कंप्यूटर सेटअप विज़ार्ड चला देता हूँ। आप एक्सप्रेस भी चला सकते हैं, मैं ज़्यादातर कस्टम में चलाता हूँ। इसको करने के बाद अब आप ये देखिए सब कुछ आपका पूरा प्रॉपर वे में आप करते चले जा रहे हैं। स्टार्टअप पेज इवन आ गया है और अब मैं इसको यहाँ से रन करा देता हूँ। कार्ड रन हो गया और आपकी वैल्यूज आ रही हैं। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आके आप डिवाइस वन पे आएंगे, डिवाइस वन पे ये और ये वाली वैल्यू आपकी कंटिन्यूस सेम हो रही है, ये वाली वैल्यू ज़ीरो है। तो मैं इसे फिलहाल कुछ चेंज कर देता हूँ। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ये मैं स्काडा से भी इस वैल्यू को राइट कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये बूलियन है, मैं इसकी वैल्यू को भी कुछ वन कर देता हूँ। ये देखिए रेड भी आपका हो गया, ठीक है। अब साथ के साथ जो मैंने आपको बोला कि मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, तो वो इनपुट पे आके एंटर टैग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इसको मैं एडिट कर देता हूँ और इसको सेव। सेव करने के बाद इसे मैं कंपाइल कर देता हूँ। कंपाइल करने के बाद ये पेज वापस से खोल लेते हैं। अब आप इसे देखिए, वैल्यू मैंने राइट कर दिया, 23 आ गई। मैं इसे वापस से वैल्यू कुछ और राइट कर देता हूँ, 12, तो 12 वैल्यू आ गई। और मैंने, अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये क्या बनाया, प्रोसेस एनालिस्ट का पेज बना दिया और मैंने ट्रेंड कुछ बनाया नहीं, तो बिल्कुल बनाएंगे। चल अब लेने के लिए मुझे कुछ है, अब ट्रेंड्स तो मैंने बनाया नहीं था, तो मैंने वेरिएबल टैग बनाया। मैं वेरिएबल टैग ही फिलहाल ले लेता हूँ। वेरिएबल टैग में मेरे को जो टैग लेना था,
नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, हमारे तो ये वाले टैग है जिसमें साइनोसाइडल वाला मेरा ये वाला है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, टैग ऐड और ओके। ये ब्लैक में दिख रहा है, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है फिलहाल, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेंड तो यहाँ से स्टार्ट किया है। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगी। अभी पूरा साइनोसाइडल और कितना अच्छा दिख सकता है, मैं उसको एक मिनट करता हूँ, इस तरीके का आपका साइनोसाइडल के इसके सिग्नल आपको मिल रहे हैं। इसको अभी हम और भी इसमें चेंज कर सकते हैं वर्टिकल स्पैन वगैरह में, तो आपको और थोड़ा सा मिल जाएगा इसमें। मैं इसे फिलहाल 50 पे डाल देता हूँ अगर, या इसका मैं पेज साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी में आपको दिखने लगेगा। ये तो फिलहाल अपना स्काडा का पार्ट है। स्काडा में आप कैसे रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ करना चाहते हैं, वो है मेन चीज़ है आपका कम्युनिकेशन होना, वो जो कि हम यहाँ पे अभी हम करा चुके हैं। अब मैं इसको वापस से आपको दिखा देता हूँ, सर्च करते हैं, ऐसे नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। मैं टेस्ट वन वाला देखना था, टैग ऑटो, इसको मैं ओके कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये एक मिनट का ही दिखे, रेंज मेरी 50 रहे इसकी, या मैं इसको और कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कब कब क्या क्या वैल्यू रही है वो आप देख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस। इसको 3 मिनट में डाल देते हैं, 5 मिनट में डाल देते हैं, तो इस तरीके का हो गया। ये जस्ट लाइक आपका जब आप ECG वगैरह कभी कराने जाएंगे तो इस तरीके की आपकी लाइंस मिलती है मेडिकल लाइंस में, तो आपको वो चीज़ें यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। फिर इसी में आप जूम करके कुछ देखना चाहते हैं तो आप जूमिंग पे जूम आउट कितना करना है और जूम आउट करना है तो ऐसे कहाँ है। ये तो आपकी मेनली उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये मुझे ऐसा कुछ सिखाने वाले भी नहीं है। ये वाली चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। यहाँ पे आने के बाद आप चाहें तो इसको कनेक्शन को, ये तो इंस्टेंट ट्रेंड मैंने दिखाया है, एवरेज की वैल्यू है। हम ये चाहते हैं कि नहीं इसकी न्यूएस्ट वैल्यू आए, तो आप यहाँ पे न्यूएस्ट वैल्यू दिखा सकते हैं इसका। अगर आप यहाँ पे कुछ पाथ या ऑटो ऑटो स्केल में डालना चाहते हैं, जैसे ऑटो स्केल में डाल दिया मैंने, तो अब जो भी वैल्यू आएगी ऑटो स्केल में आएगी, न्यूएस्ट वैल्यू हमेशा डिस्प्ले करेगी आपको। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, अब आप यहाँ अब आप ये देखिए, जो आपकी न्यूएस्ट वैल्यू हमेशा होगी वो आएगी। तो फिलहाल आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो चुका है, आप सारी वैल्यू देख चुके हैं और यहाँ से आप कम्युनिकेशन पे आपका यहाँ आ गया है। आपके इसमें और भी आपके कई सारे चैनल्स रहते हैं जिसके थ्रू आप ये कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आप न्यू चैनल कोई बनाते हैं तो यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कोडेसिस का भी है, कॉन्टेक्स्ट भी है, DDE क्लाइंट भी है, DNP मास्टर इथरनेट का ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाता है, फानुक का है, GE का है, फिर IEC 101 104 के मास्टर्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, Mitsubishi, या अगर आप Schneider प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आपको Modbus TCP और Modbus Slave सीरियल भी मिल जाता है यहाँ पे।
आपको MQTT क्लाइंट भी यहाँ पे मिल जाता है, ओमरॉन भी आपके पास है। मैंने इसके साथ मेरे कलीग ने इवन हमने S7200 से डाटा इसमें लेके और अपने साइटेक के साथ कम्युनिकेट कराया अपने एक प्रोजेक्ट पे। और बाकी इस कैपवेयर के साथ आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, वो अगर पॉसिबल होगा तो मैं इन इसके और वीडियोस पे बताऊंगा, क्योंकि कैब सर्वर मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। तो देखते हैं आगे और हम इसमें क्या कर सकते हैं आपके लिए और कैसे वीडियोस लेके आ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इस वीडियो को आपको इस वीडियो के साथ ही छोड़ जाते हैं कि आप इसको देखें, इसको सीखें कि आप ओपीसी पे ओपीसी यूए को कैसे करके कॉन्फ़िगर करा सकते हैं। आपको मैंने बस एक बात बता दिया कि अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी पीएलसी के साथ भी इवन कम्युनिकेट कराते हैं और अपना साइटेक स्काडा के साथ आप कम्युनिकेट कराते हैं, तो आप ओपीसी एक ओपन प्लेटफॉर्म है। अगर आप ओपन ओपीसी पे कहीं से भी डाटा ले आते हैं तो आप इसको आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। जबकि हम पहले जब ओपीसी डीए पे काम किया करते थे तो उसमें हमारे साथ चैलेंज आता था डीकॉम सेटिंग का ज़्यादा। अब ओपीसी यूए में वो कुछ इजी हमारे लिए हो गया है काम करना। तो ये हमारी सबसे न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो अब आप इन सब पे काम करिए, इसको ट्राई करिए और अपने नए जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें आप इसे इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी कुछ नए वीडियोस के साथ ही। जाते जाते बस आपसे यही रिक्वेस्ट, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं।